बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। प्रॉपर्टी हो? यस। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। हाफ प्रॉपर्टी मेरे नाम करने का झूठा प्रॉमिस कर रहा हूँ। तुम मुझसे वो सब करवाओगे जो तुम चाहते हो और मैं शायद मान भी जाऊँ, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरे हाथ कुछ भी नहीं है। नहीं मोनिशा, तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ आएगा, क्योंकि लूथरा परिवार की बहू को कोई मना नहीं कर सकता। इस बात की क्या गारंटी कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली का साथ दूंगी, तुम्हारे भाई को बाहर निकालूंगी तो तुम मुझसे शादी करोगे? तुम बैकआउट भी तो कर सकते हो ना। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ठीक 5 दिन बाद मैं और मोनिशा शादी करेंगे। लूथरा का एक ही बेटा है और वो है ऋषभ लूथरा। आज के बाद अब से लेके करण लूथरा मेरा कोई नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरे क्लाइंट मिस्टर ऋषभ लूथरा बेकसूर है और ये बात मैं आज अदालत में साबित कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे मोनिशा जी को एक बार विटनेस बॉक्स में फिर से बुलाने की इजाजत चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। हाँ तो मोनिशा जी, वो क्या नई बात थी जो आप कोर्ट को बताना चाहती थी, प्लीज बताइए। जज साहब, ऋत्विक का मर्डर ऋषभ लूथरा ने। मैंने अपने आप से ज्यादा भरोसा आप पर करके करण की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी प्रीता जी, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आप समझदार हैं, आप करण को संभाल सकते हैं, आपको सही गलत का फैसला करना आता। मैं एक बार को प्रीता जी ये मान सकता हूँ कि इन लोगों ने गलती की होगी, इन लोगों को मालूम नहीं चला होगा कि करण क्या करने वाले। लेकिन I'm sorry, ऋषभ जी, मुझे एहसास हो गया था कि करण कुछ बहुत ज्यादा गलत करने वाला है, लेकिन लेकिन व्हाट प्रीता जी, लेकिन व्हाट, लेकिन की गुंजाइश कहाँ है? बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है कि तुम कल मोनिशा से शादी कर रहे हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम ऐसा नहीं करो, प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा तब होता है जब किसी को किसी से। मुझे एक्चुअली लगा था कि मैंने प्रॉमिस किया तो मुझे निभाना पड़ेगा, मुझे ये शादी करनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम दी करण लूथरा। लेकिन लेकिन करण, तो एक प्रॉमिस के लिए हम तेरी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकते ना पुत्र? हाँ बेटा, ये तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, तोड़ दे प्रॉमिस। आप लोगों में से कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं शादी करूँ, इनफैक्ट कोई भी नहीं चाहता कि मैं शादी करूँ। उस वक्त मैंने जो भी किया मुझे सही लगा, इसलिए मैंने मोनिशा को वादा कर दिया शादी का, लेकिन अब नहीं। अब वो मेरे दोस्तों की इंसल्ट करने लगे। उसकी बेइज्जती करने लगी है बेवजह, और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह बनेगी, एग्जैक्टली वैसे मुझे पपेट बना के रखेगी, और मैं हस्बैंड पपेट बनने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और बेटा, तू ये भी तो नहीं चाहता होगा ना कि वो संतोषी की तरह हमारे पूरे परिवार का मर्डर ही करते? ये स्टोरी सुनाने से पहले ना आप अपने फैक्ट्स क्लियर कर लेते। आई मीन जिस संतोषी की आप बात कर रहे हो ना, 23 साल की होगी। आई मीन कम ऑन, मैंने आर्टिकल में डेट देख ली थी, इस वक्त वो 23 साल की होगी। आपका रोका हुआ था उसके साथ, कम ऑन यार। और दादी बुआ, आप लोगों को भी ना झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। ऋषभ देख मेरे भाई, तू फंसा था, मैंने तुझे बचाया, अब मैं फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकाल, जो कर सकता है वो कर, मुझे ये शादी नहीं करनी यार, प्लीज यार। मतलब तेरी वजह से मैंने ये बिल्ली वाली घंटी ना अपने गले में बांधी है, प्लीज मुझे सबसे बाहर निकाल। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही पुत्र, घंटी तो तूने बांध ली है, मेरा मतलब है पूरी मीडिया के सामने अनाउंसमेंट करके, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शादी कल है। अब इस सिचुएशन में शादी से पीछे हटना आसान तो नहीं होगा। एक तो तूने मीडिया के सामने अनाउंसमेंट कर दी शादी की, और ऊपर से उस लड़की ने उस पे मोलेस्टेशन का केस किया हुआ है जो सबके गले पे तलवार बन के लटक रहा है। तलवार अब दो, एक मोनिशा और एक उसका किया हुआ केस। यार तू सब कुछ छोड़, तू मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, तू वाकई इस शादी से बैकआउट करना चाहता है? अरे हाँ मेरे भाई, जो कुछ भी कर सकता है वो सब कुछ कर, मुझे इस मोनिशा के चंगुल से बचा। बस मुझे यही सुनना था।
अब हम सारे मिलकर हमारे करण को उसके चंगुल से बाहर निकालेंगे। करेक्ट, आर वी ऑल ऑन द सेम थिंग? यस। एक चीज हमेशा सबको याद रहे कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। कल है शादी, मैक्स 24 घंटे हैं हमारे पास और कल सुबह तक हमें प्लान रेडी चाहिए। ओके, यस। नाउ लेट्स डू दिस। यस, लेट्स डू दिस। क्या बात है, सब लोग बड़े खुश लग रहे हैं। अच्छा राखी जी, अब हम चलते हैं, कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। चूड़े और कलीरे की रस्म करनी है ना? अच्छा जी। वो एक्चुअली जब से मेरी और करण की शादी की अनाउंसमेंट हुई है ना, तब से सारी मीडिया क्रेजी हो गई है। इनफैक्ट अभी घर के बाहर जाऊंगी ना तो सारी मीडिया बैठ के मेरा इंतजार कर रही है। मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ कि तुम्हारी शादी भी ना उस दाढ़ी वाले बकरे के साथ हो जाए। आई मीन वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, लेकिन तुम्हारी शादी उसी से हो जाए ऐसा मैं चाहता हूँ। तुम्हारी शादी हो रही होगी ना, तब भी वेदिका जी के साथ कुछ गलत नहीं किया, उन्हें ये बात साबित कैसे करूंगा मैं? सैलिक तरीका है, एक मेडिकल टेस्ट। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी पंक्ति। सब कुछ जो हो रहा है ना वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने किया ये सब? चलो पंक्ति। नहीं, पुलिस बुलानी है, वकील बुलाना है, जिसको बुलाना बुला दीजिए, और अब ये टेस्ट होके रहेगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि इंडिया की यंगेस्ट सास चल पड़ी है घर की जिम्मेदारियां उठाने, जिसमें चाहिए उसे अपनी बहुओं का साथ, और दूसरी तरफ रावत ने खड़ी की गुड्डन के सामने अपने पति को निर्दोष साबित करने की चुनौती। क्या गुड्डन से एक सास और एक पत्नी दोनों का उत्तरदायित्व संभालना हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। उस काजी की वजह से अगर हमें अलीना नहीं मिली तो हम उसे सुबह का सूरज नहीं देखने देंगे। काजी साहब, काजी साहब, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? नहीं जान, काजी साहब मस्जिद से उठकर चले गए। हेलो, आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा मेरे भाई से प्यार करती है, जब से वो मेरे भाई की पत्नी है तब से। हम शादी कर लेते। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकल लेते ना। नहीं, कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी करनी है, यही करनी है। ए, रोक! मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन किसी बेजान शरीर को यूं वेंटिलेटर पर रखना ठीक नहीं है। साथ जीने मरने की कसमें खाई थी हमने, इसलिए अगर अब सी आ जाएगी तो मौत में भी साथ देगा उसका राम। इस तरह सबके सामने बर्तन और रसोई धोकर घर की शुद्धि नहीं की जाती। कुलदेवी के मंदिर से पंडित बुलाना पड़ेगा और हवन कराना पड़ेगा, और हाँ, पूर्वा इस हवन में नहीं बैठेगी। जी जी, क्या चल रहा है? ये देखो, ये है पूर्वा को उसके मायके भेजने के परमानेंट टिकट। अब ये मिलेगा कहाँ? कल हवन समुद्री के बीच। ये गंगा, मेरा नौकर, किचन से सेब चोरी कर रहा था। अब चोरी की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। आज गलती से यहाँ पर किसी की जान चली गई तो तुम्हारी तो नौकरी का डब्बा गोल। इसे छोड़ने के लिए तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर मेरे जूते साफ करने होंगे। अब इसकी जान के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना तुम। क्या हृदय अस्मिता की निवेदिता के खिलाफ ये जासूसी जान पाएगा, या अस्मिता को फिर किसी नई अग्नि परीक्षा को पार करना होगा? कितनी बार हमने कहा है कि मैं फोन मत किया करिए, अभी अभी घर में शादी हुई है, लोग हमारे आसपास घूमते रहते हैं, घर पर से बात करना खतरनाक है। जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।